नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नवीन सोनी सर चैनल में। मैं आज आपको बताऊंगा कि यदि एसी में कोई फॉल्ट आ जाता है तो उसको दूर कैसे किया जाए। जैसा कि आपको सामने दिखाई दे रही है, यह है तवेरा। तवेरा जो है शेवरोले कंपनी की गाड़ी है और इसके अंदर एसी जो है इसके अंदर फॉल्ट आया हुआ है। आप देख रहे होंगे कि मैं इस रेगुलेटर को घुमा रहा हूँ, एसी का बटन भी चालू किया है, गाड़ी भी ऑन है, लेकिन देखिए चालू नहीं हुई एसी। इसका मतलब इसमें कोई ना कोई फॉल्ट है। इस फॉल्ट को दूर कैसे किया जाएगा, तो जुड़े रहिए हमारे साथ कि इस फॉल्ट को हम दूर कैसे करें ताकि एसी चल सके। आप देख रहे हैं नवीन सोनी सर चैनल, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि आपको मेरे बनाए नए वीडियोज़ की अपडेट प्राप्त होते रहें। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले केयरफुली इस प्रकार से जो एसी का चैम्बर आपको दिखाई दे रहा है इसको आराम से खोल लीजिए। इसको केयरफुली खोलना है, नहीं तो क्या होता है कि ये इसके अंदर लॉक्स आते हैं, वो लॉक्स टूट जाते हैं। ये डैशबोर्ड से अटैच होती है सारा सिस्टम, इसके अंदर लॉक्स होते हैं, वो बिल्कुल धीरे धीरे खोलने चाहिए, बिल्कुल केयरफुली। जैसा कि देखो मैं आपके सामने खोल रहा हूँ अभी। एसी में दोस्तों कई प्रकार के फॉल्ट आते हैं, कई बार टेक्निकल फॉल्ट आ जाता है, कई बार क्या होता है कि जैसे अभी इसका स्विच है उसमें मिस्टेक आई हुई है, कई बार चल जाता है, कई बार ये एसी नहीं चलती है, कई बार बंद रहती है, कई बार फिर चल जाती है। तो इसमें क्या है कि स्विच का फॉल्ट है, तो स्विच का फॉल्ट है तो इसके अंदर स्विच जो है वो तो नया डल नहीं सकता, क्योंकि ये पूरा सिस्टम नया आता है और नया सिस्टम बहुत ही कॉस्टली आता है। आपको पता ही है इतना बड़ा सिस्टम यदि नया लेके आए तो बहुत कॉस्टली आता है। इसलिए क्या है कि इसका जो रेगुलेटर है इस रेगुलेटर को सही करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर स्क्रू होते हैं, दो स्क्रू इस साइड में होते हैं और दो स्क्रू दूसरी साइड में होते हैं। दोनों स्क्रू को धीरे धीरे केयरफुली खोलते हैं। इधर भी दो स्क्रू होते हैं, इनको भी केयरफुली खोला जाता है। ये स्क्रू कई बार नीचे चटक भी जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं, फिर ये स्क्रू मिलते नहीं हैं काफ़ी देर तक, तो इसको बिल्कुल ही केयरफुली खोलना चाहिए। इस प्रकार देखो मैंने इसको खोल दिया है। चारों स्क्रू खोलने के बाद ये सिस्टम प्राप्त होता है जो अभी आप देख रहे हैं। इसके पीछे की साइड में देखिए ये वायरिंग होती है, इस वायरिंग की पिन को भी हटा देना चाहिए। ये आपको पिन दिखाई दे रही होगी, ऊपर की साइड में जो पिन है ये तो एसी की पिन है, और इसके जस्ट नीचे की जो पिन होती है वो लाइट की पिन होती है। इसके नीचे आती है वो पिन जिससे कि डिस्प्ले में लाइट जलती है, तो इसमें इस पिन को हटा देना चाहिए ताकि कोई और फॉल्ट इसकी वजह से नहीं हो जाए। गलती से कोई तार टच हो जाए, कोई पत्ती टच हो जाए तो पूरी गाड़ी में फॉल्ट आ सकता है। इस प्रकार से देखो ये इसमें लॉक आते हैं, दोनों साइड से लॉक आते हैं, उन लॉक को हटा देना चाहिए जिससे कि इस पिन को अलग किया जा सके। अब ये जो रेगुलेटर दिखाई दे रहा है, इस रेगुलेटर का जो ऊपर वाला जो कैप दिखाई दे रहा है इसको भी बिल्कुल केयरफुली खोल लेना चाहिए। इसके अंदर भी लॉक आते हैं, कई बार ये लॉक टूट जाते हैं, तो इनको बिल्कुल ही केयरफुली खोलना होता है, नहीं तो ये टूट जाएंगे लॉक। इसके अंदर की साइड में लॉकिंग सिस्टम होती है, जैसे कि मैंने अभी खोला है। देखो इस प्रकार से धीरे धीरे इसको खोलना है, इस प्रकार से धीरे धीरे खुल जाएंगे, इसमें लॉक आते हैं। फिर इस चैम्बर को खोलना है, इसके अंदर भी लॉक हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं तीन लॉक ऊपर की साइड में होते हैं, तीन लॉक नीचे की साइड में होते हैं, और एक एक लॉक दाएं और बाएं साइड में होता है। इसको खोलने के बाद इसको हटाते हैं जिसमें इससे लाइट जो होती है वो रिफ्लेक्ट होकर पूरे डिस्प्ले में आ जाती है। ये देखिए ये होता है रेगुलेटर,
जिसको हम घुमाते हैं और इसी से एसी जो होती है उसकी स्पीड बढ़ती है, या फैन का जो ब्लोअर सिस्टम होता है वो इसी से चलता है, ब्लोअर जो होता है वो इसी से चलता है। तो इसको खोलना होता है, इसके नीचे पत्तियाँ आती हैं, उन पत्तियों में मिस्टेक आती है। देखो इसको बाहर कर लेते हैं, इसमें जो लॉक है उसको खोलने के बाद आपको सामने दिखाई दे रहा होगा ये पत्तियाँ होती हैं, और ये जो होता है इससे पिन के ऊपर देखो छोटी सी पिन दिखाई दे रही है आपको, ये टच होती है। तो इनमें क्या होता है, कार्बन आ जाता है जिसकी वजह से ऐसी मिस्टेक होती है। आप देख रहे होंगे कि सामने कितना कार्बन आया हुआ है। ये जो रेगुलेटर है इसके ऊपर ये जो पिन होती है छोटी सी, इसको बिल्कुल से रेजमाल से साफ़ कर लेना चाहिए। इसके ऊपर कार्बन आ जाता है जिससे कि जो एसी का फैन होता है वो नहीं चल पाता, जिससे जो बिल्कुल से भी हवा है वो नहीं आ पाती है। तो इसको बिल्कुल केयरफुली साफ़ कर लेते हैं, ज़्यादा घसना भी नहीं है। इसमें स्पंज भी होता है, इसको दबाते हैं तो इसमें स्पंज होता है। अब इन सामने वाली पत्तियों को भी साफ़ कर लेते हैं। ये देखिए आप देख रहे हैं इसमें कार्बन आया हुआ है, तो इस कार्बन को भी केयरफुली साफ़ कर लेते हैं। कार्बन की वजह से ये अटक जाती है, एसी चलती नहीं है। कभी तो पंखा चलता है, कभी वो पंखा नहीं चलता है, कभी चल चलते पंखा बंद हो जाता है। तो बिल्कुल से कंटिन्यू हवा नहीं दे पाता। तो इस प्रकार मैंने इसको साफ़ किया के बाद मेरे पास है ये जेनियन ग्रिस। ये ग्रिस वाइट कलर की ग्रिस होती है जो फोटोस्टेट की मशीन में भी लगाई जाती है, टेफ्लॉन वगैरह में भी काम आती है, हीट को एब्जॉर्ब कर ले। और दूसरी बात, इसमें जो घर्षण शक्ति होती है वो अच्छी होती है, इसमें चिकनाहट ज़्यादा है। अच्छी ग्रिस होती है, ये लगानी चाहिए, डस्ट को कम पकड़ती है। फोटोस्टेट की दुकान पर या फोटोस्टेट की मशीन जो रिपेयर करता है उसके पास ये ग्रिस आराम से मिल जाती है। टेफ्लॉन की ग्रिस के नाम से जानी जाती है, टेफ्लॉन में लगती है, हीट रोलर में बहुत अच्छी ग्रिस होती है। इस प्रकार से इसमें ग्रीसिंग कर देंगे। इसको अच्छे से साफ करके मैंने अभी अभी आपके सामने अच्छे से ग्रीसिंग करी है, और जितने भी टिप्स हैं आपको दिखाई दे रहे हैं इन सब पर ग्रीसिंग करनी होती है। अच्छे से इसको ग्रीसिंग कर देंगे। इसी प्रकार ये जो रेगुलेटर है इसके अंदर जो ये मेन पॉइंट है इस पर ग्रीसिंग करनी होती है, करता है जिससे कि क्या 0.1234 चलते हैं। इसके अलावा जो आपको ये छोटे छोटे बिंदु दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर, इस पर एक छोटी सी राउंड शेप में गोली होती है लोहे की, इस पर चलती है जिससे कि हर पॉइंट पर एक कट कट की आवाज़ करता है, रुक रुक होके चलता है। इसमें तीन होते हैं इसी में, तो इसी की वजह से इसमें चार होल हैं छोटे छोटे, जिस पर क्या होता है एसी चलती है। पांचवा जो होल होता है वो स्टोव का होता है, तो इस पर भी ग्रेसिंग कर देनी चाहिए ताकि जो लोहे की गोली होती है वो अच्छे से मूव कर सके। इससे बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा ये रेगुलेटर और बिल्कुल से स्मूथली चलेगा। इसमें अच्छे से ग्रेसिंग करनी होती है जैसा कि मैंने किया अभी। किसी भी पेचकस की सहायता से या चिमटी की सहायता से हम ग्रीसिंग कर सकते हैं। ये देखिए ग्रीसिंग करने के बाद इसको जहाँ से हमने निकाला था वहाँ पर वापस लगा देते हैं। इसमें लॉक होता है, बिल्कुल से केयरफुली इसमें फिट करना होता है, एक आवाज़ भी आती है छोटी सी जिससे कि लॉक फिट हो जाता है। ये देखिए ये इसमें फिट हो चुका है, ये देखिए अब ये ओके हो गई है। अब इसको लास्ट में चला के देखेंगे, लेकिन इससे पहले इसको बंद कर देते हैं, क्योंकि जो प्रॉब्लम थी वो यही थी कि इसमें जो
पत्तियां हैं उसकी वजह से कभी तो पंखा चल रहा था, कभी इसमें स्पीड बन रही थी, कभी नहीं बन रही थी, कभी एसी नहीं चल रही थी, तो इस पत्तियों की मिस्टेक थी न और कोई, इसमें वायरिंग मिस्टेक नहीं थी। तो इसी को साफ़ करना ज़रूरी होता है। हम वायरिंग को छेड़ते रहते हैं, वायरिंग को काट देते हैं कई बार, लेकिन प्रॉब्लम अपने को दिखाई नहीं देती, लेकिन प्रॉब्लम इसमें यहाँ थी, ये प्रॉब्लम यहाँ से दूर हो गई। कई बार ये बिल्कुल सही होता है और कहीं पर भी फॉल्ट आ जाता है, तो वो बाद में उसे जाता है कि स्पीड वगैरह से और से में तो क्या अटका अटकी कर रही थी धीरे धीरे, तो इसका मतलब यह है कि इसमें यहाँ फॉल्ट था। अब इसको केयरफुल सभी को बंद कर देते हैं वापस से। इसी प्रकार से ये जो हीटर का जो रेगुलेटर है इसमें भी वापस से रेगुलेटर फिट कर देते हैं। ये जो ऊपर बटन है इसको वापस लगा देते हैं। ये हीटर है, और ये जो है ये फैन का है, 1 2 3 4 पॉइंट, आवाज़ इसमें कट 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 आराम से फिट हो रहा है, बिल्कुल से स्लो मोशन में चल रहा है। और ये जो होता है ये आपको पता ही है, बाहर की एयर लेनी है या अंदर की एयर लेनी है, कौन सी लेनी है वो अपने को सेट करनी होती है। उसके बाद में इसके ऊपर से वापस से ये लॉक लगा देते हैं। जो इसका डैशबोर्ड होता है इसमें जो लॉक होते हैं वो फिट हो जाते हैं, जैसे अभी मैंने फिट किए हैं, इस प्रकार से लॉक वगैरह सब फिट कर देंगे बिल्कुल केयरफुली। इसमें क्या होता है बार बार पेचकस नहीं मारना चाहिए, नहीं तो स्क्रैच हो जाते हैं सब जगह, तो ये बिल्कुल से ध्यान से खोलने की चीज़ है। ये वापस से जो चीज़ें हटाई थी वो वापस लगा दी हमने। अब अपना काम है इसको चेक करना, अब चेक करके देखेंगे कि क्या ये सही हो गई है। अभी देखिए दोस्तों, मैंने गाड़ी ऑन की है, आप देख रहे होंगे गाड़ी ऑन की है, लाइट चालू कर के देखिए मैंने। अब मैं इसको चालू करके देखूंगा। ये देखिए दोस्तों, आपने देखा कि किस प्रकार से ये गाड़ी चालू करने के बाद एसी चालू हो गई है, और इसको दोबारा बंद कर सकते हैं, दोबारा बंद हो गई है। इसका मतलब हमने जो प्रोसेस की है वो बिल्कुल से सही है। आप इससे करके देखिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरी ये ट्रिक पसंद आई होगी। यदि आपको मेरी ट्रिक पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि आपको मेरे बनाए हुए नए अपडेट्स हैं वो प्राप्त होते रहें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।